हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आई हूँ एक बार फिर से आपके सामने। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे ज्योति की मोटिव ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, इमेजिन करो अगर हमें प्रेगनेंसी किट में ये चेक करने के साथ साथ कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, साथ साथ ही हमें ये पता चल जाए कि होने वाला बेबी जो है वो क्या होने वाला है, तो सोचो मतलब कि सोने पे सुहागा। एक जो जेंडर हम चाहते हैं अगर हमारे सामने वो रिजल्ट निकल के आ जाए तो मतलब इससे बेटर तो मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, तो मैं आज की वीडियो में आपको एक सिंपल इजी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग दूसरे महीने में ही पीरियड मिस होंगे, हम किट से चेक करेंगे उसी के टाइम पे आप लोग ये भी पता कर पाएंगे कि यस क्या होने वाला है आपको। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव दो टाइप से होती है। नंबर वन जो है एक्स और एक्स अगर क्रोमोसोम्स मिलने वाली प्रेगनेंसी है, दैट मीन्स बेबी गर्ल होती है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के मिलने से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, दैट मीन्स बेबी बॉय हमें होगा। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है, देखो नॉर्मल लाइफ में भी क्योंकि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है, तो वैसे ही माँ के पेट मतलब गर्भ में भी सेम वैसे ही रहता है। जो बेबी गर्ल होती है उनकी वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू बेबी बॉय अगर किसी ने कंसीव किया है तो। ठीक है, आप लोग नोटिस करना ज्यादा मिस कैरेजेस जो देखना बेबी बॉय के केस में ही होते हैं, क्योंकि बेबी बॉय वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो बेबी गर्ल के कंपेरिजन में थोड़ी सी वीक होती है। दोस्तों, जो एक्स और एक्स को मिलने वाली प्रेगनेंसी है, बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी क्योंकि वो प्रेगनेंसी स्ट्रांग है, नेचुरली वो स्ट्रांग है ज्यादा, तो एसजी हार्मोन्स जो है वो कम हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उस इस वजह से क्या होता है, अगर लाइन एक हल्की एक डार्क बनी रहती है लगातार से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें बेबी गर्ल होने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा क्योंकि एक्स और वाई वाली जो प्रेगनेंसी होती है बेबी बॉय की प्रेगनेंसी होती है, और क्योंकि ये प्रेगनेंसी थोड़ी सी वीक होती है, इस प्रेगनेंसी को सही से कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी ज्यादा एसजी हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो इस वजह से होता यह है कि ज्यादा एसजी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की वजह से अगर हम किट से शुरू में चेक करते हैं तो बेबी बॉय वाला अगर केस रहता है तो उस कंडीशन में जो है लाइन जो है एक दोनों लाइन जो है ज्यादा डार्क सामने से दिखाई देती है। दोस्तों, तो इस तरह से हम एक सिंपल तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, स्टार्टिंग में ही जानने का जेड बॉय होगा बेबी गर्ल, 7 to 10 days का वेट करके अगर आप लोग चेक करते हैं तो आपको एकदम बेस्ट और सही रिजल्ट सामने निकल के आएगा। दोस्तों, हाँ ये अलग बात है कि अगर पर्सनल लेवल पे आऊँ तो मैं खुद से भी पीरियड मिस होना तो दूर की बात है, उससे पहले से ही चेक करती थी, तो मुझे पता है आप लोगों में वैसे भी मैक्सिमम लेडीज जो है वो ऐसे ही करती होंगी, पहले से ही हम लोग किट जो है वेस्ट करते रहते हैं। बट जो सही तरीका है वो यही है दोस्तों, आना रिजल्ट उसी के बाद सही है, क्योंकि शुरुआत में कई बार बहुत हल्की सी लाइन आ जाती है, मतलब बहुत कम बॉडी में ऐसे जी हार्मोन्स उस समय बन रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में मतलब कि एक एक दिन काटना जो है मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना तब आपको सही से बिल्कुल सही सटीक रिजल्ट निकल के आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।